झारखंड का एक ऐसा चोर जिसकी कहानी पूरी फिल्मी है, जिसने कोरोना काल में 29 पुलिस वालों को कोरोना पॉजिटिव कर दिया। दरअसल हजारीबाग जिले का ये चोर 4 बार पुलिस के गिरफ्त में आया, फिर फरार हुआ और जब भी यह चोर भागा उसने दर्जन भर पुलिस वालों को कोरोना संक्रमित कर दिया। आपको अचरज होगा कि इस चोर के कारण हजारीबाग के 2 थानों को सील करना पड़ा। हजारीबाग जिले के एक चोर ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। दरअसल चोर और पुलिस के इस खेल में चोर ही पुलिस पर भारी पड़ रहा है। 4 बार पुलिस ने इस चोर को पकड़ा लेकिन 4 बार इसने पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गया। लेकिन फरार होने के दौरान उसने 29 पुलिस वालों को कोरोना पॉजिटिव कर दिया। इस चोर के कारण 2 थानों को सील कर दिया गया है। करीब 1 सप्ताह पहले इस चोर को हजारीबाग के सारले विकास नगर में एक किराना दुकान से महज 150 रुपये चोरी करते पकड़ा गया था। इसके बाद कोरोना जांच के दौरान उसे सदर थाना में रखा गया था। जांच में यह कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके बाद इसे सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और कुर्रा और सदर थाने के पदाधिकारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया और थाने को भी सील कर दिया गया। लेकिन चोर मेडिकल कॉलेज की खिड़की तोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद इसे पुनः पकड़ा गया और फिर से यह खिड़की तोड़कर फरार हो गया। तीसरी बार यह चोर एम्बुलेंस से रांची जाने के क्रम में वाहन का शीशा तोड़कर फरार हो गया। चौथी बार गाड़ी धीमा होने के कारण यह चोर कूद के फरार हो गया। फिलहाल 5वीं बार पुलिस ने इस कोरोना पॉजिटिव चोर को फिर से पकड़ा है। इस चोर को अब रांची के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। फिलहाल चोर का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, लिहाजा झारखंड पुलिस ने इस चोर को जेल भेज दिया है। हजारीबाग में हुआ सर, एक चोर है जो 3 बार फरार हुआ और 3 बार कोरोना पकड़ाया। बता रहा हूँ मैं कि कुछ चीज़ें ऐसा होता है, जब तक हम उसका निदान नहीं खोज पाएंगे तब तक उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। अब वो कोई डकैत है, डकैती किया, अविलंब उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जितना देरी होगी गिरफ्तार करने में दोबारा भी करेगा। अब हम लोग कोरोना के बारे में सोच के उसको खोजना बंद कर देंगे, उसको पकड़ना बंद कर देंगे, यहाँ अपराध बढ़ेगा। तो वो रिस्क लेना ही पड़ेगा, रिस्क में अब मान लीजिए आप देखे हैं पीपीई सूट हम लोग दिए है, तब गाड़ी में रखा रहता है। जब किसी को फिजिकली पकड़ना पड़ता है वो पीपीई सूट पहनते हैं, लेकिन आप ये प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर पुलिस बल किसी अपराधी को खोज में निकलता है उसमें वो पहन के चलना तो मुश्किल है। उसमें कोई पुलिसिंग वर्क नहीं हो सकता है, आपको दौड़ना पड़ सकता है, कोई दीवार फांदना पड़ सकता है। तो ये सारे कठिनाई है, लेकिन रीजनेबल रिस्क सबको लेना पड़ेगा। ये कह के कि कोरोना है करके भाग के हम लोग कहीं दीवार के पीछे बैठ नहीं सकते हैं। संक्रमण का रिस्क बना रहेगा लेकिन काम करते रहना है और जिसका संक्रमण होगी उनका बेहतर इलाज हम लोग कराएंगे। बहरहाल इस चोर ने पुलिस के साथ साथ आम लोगों का भी जीना हराम कर रखा था। जेल जाने से पहले कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव आया यह चोर अभी रांची के बिरसा मुंडा जेल में है और इस जेल की दीवार भी इसको कितने दिन रोक रखेगी यह देखने की बात होगी। रांची से खुलासा के लिए रिकी राज की ये खास रिपोर्ट।